पानी के लिए त्रस्त 140 बालिकाओं के लिए ट्यूबवेल का समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने किया भूमि पूजन। महितपुर स्थित कस्तूरबा बालिका छात्रावास में काफी समय से बालिकाओं के लिए पानी की समस्या थी। इस बालिका छात्रावास में आसपास के ग्रामीण इलाकों से बालिका अध्ययन करने आती है। छात्रावास अधीक्षिका मंजू जैन ने बताया कि पानी की व्यवस्था को लेकर कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन नतीजा विफल रहा। जब तक हार के समाज सेवी विजय सिंह गौतम के द्वारा जन सहयोग के कार्यों के विषय में जाना, तो उन्होंने विजय सिंह गौतम से पानी की समस्या के बारे में बात की। तभी विजय सिंह गौतम ने छात्रावास का निरीक्षण किया और तुरंत अपने निजी खर्चे से ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। और आज उन्होंने ट्यूबवेल लगाने से पहले विधि विधान से पूजा कर मां गंगा के आगमन के लिए भगवान शिव का पूजन कर लगने वाले हॉल के लिए भूमि पूजन किया। ये मैं आपको बताऊं कि महितपुर में जो हमारा छात्रावास है बच्चियों का, जिसमें 140 बच्चियां रहती हैं, हमारे महितपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने आसपास के गांव हैं उनकी सभी बच्चियां वहां पर रहकर विद्याध्ययन करती हैं। और वहां की अधीक्षिका मंजू जैन जी हैं, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि यहां पर पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। एक ट्यूबवेल था, वो ट्यूबवेल भी डिस्ट्रॉय हो गया, मोटर भी वहाँ पर नहीं है, उसके ट्यूबवेल में मोटर फंस गई है और उनको बहुत तकलीफ थी। उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने वहाँ का निरीक्षण किया है अभी 2 दिन पहले, और आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने ट्यूबवेल की मोटर को ऑर्डर किया है और जितना भी पैसा उसके अंदर लगेगा मैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। यह स्वयं के व्यय से, यह मानव कल्याण का नर सेवा नारायण सेवा, और निश्चित रूप से उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं जानता हूँ कि जब इतनी बच्चियाँ वहाँ पर विद्याध्ययन करने आती हैं, वहाँ पर रहती हैं, उनका बोर्डिंग भी वहीं है, उनका हाउसिंग भी वहीं है, वहाँ से ही बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, और वो भी मेरे महितपुर क्षेत्र की सभी बच्चियाँ, सभी समाज की, अनुसूचित जाति नहीं, पिछड़ा नहीं, ओबीसी नहीं, सभी समाज के